हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बनाते हैं सूजी से इडली, जिसे बनाने के लिए हम लेंगे दही और नमक। मैंने डाला ये नमक और ये दही फेंट के डाली हूँ। दही आप घोल बनाने के लिए लेंगे, जिससे वो घोल गाढ़ा बने, बस उतना ही लेना है। और इसके घोल के घुलने के बाद में इसे 20 मिनट के लिए आप ढक के रख दीजिए, ताकि ये दही को अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, दही अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। और इसके अंदर आप चाहिए तो थोड़ा सा दही और पानी और डाल सकते हैं, या फिर दही डाल सकते हैं। और उसको बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है इनो। इनो डाल के खूब अच्छे से फेंट लिया है, देखिए ये फ्लफी जैसा हो गया है। दूसरी तरफ हम लेंगे एक स्टैंड, स्टैंड में लगाएंगे तेल और उसके अंदर हम इस सारे बैटर को डालते जाएंगे। और मैंने पानी गर्म करके पहले से ही रखा हुआ है, उसके अंदर डाल के इसको ढक के 20 मिनट के लिए तेज आंच पे पकने के लिए हम रखेंगे। और ये लीजिए, मेरी इडली तो बन रही है। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी, जिसे बनाने के लिए हम लेंगे लहसुन और हरी मिर्ची और मूंगफली। इसको हम हल्के आंच पे भूनेंगे, भून के छिलका उतार के मूंगफली की नमक डाल के चटनी बना लेंगे। और ये देखिए, हमारा जो इडली है वो फूल फूल के कितना स्पंजी बन गया है। और दूसरी तरफ मेरी चटनी भी बन के हो गई है तैयार। मेरे चैनल पे आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे घर पे एक बार ट्राई करिए, खाइए और खिलाइए।